आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ऑनलाइन डेटिंग ऐप का यूज़ किया ही होगा। जी हाँ, और ऐसे में जब कोरोना वायरस की वजह से भारत में लॉकडाउन है और दुनिया के बाकी देशों में भी लॉकडाउन जारी है, तो इस क्वारंटाइन के टाइम पर लोग ऑनलाइन डेटिंग ऐप का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं। जी हाँ, अब देश के लोग और दुनिया के लोग अब क्वारंटाइन के टाइम पे ऑनलाइन डेटिंग ऐप का यूज़ इतना करने लगे हैं कि अब मार्च के बाद ऑनलाइन डेटिंग ऐप के यूज़र्स में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। आखिर क्यों क्वारंटाइन में लोग कर रहे हैं ऑनलाइन डेटिंग ऐप का इतना ज़्यादा यूज़, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव मंडराल और आप देख रहे हैं मेरे साथ देश ऑनलाइन। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते हुए लोग अपने घरों में बंद है और ऐसे में लोगों को ये नहीं पता कि वो किस टाइम या फिर कब वो घर से बाहर एक नॉर्मल लाइफ में दोबारा निकल सकते हैं। और ऐसे में लोग अपने घरों में काफ़ी बोर हो चुके हैं और इसी बोरियत से बचने के लिए लोगों ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे वो अपना टाइम अच्छी तरीके से स्पेंड कर पा रहे हैं। जी हाँ, ऑनलाइन डेटिंग ऐप तो हम में से हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा और इस क्वारंटाइन के चलते हुए ऑनलाइन डेटिंग ऐप काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। अमेरिका के बाद अब भारत दूसरे नंबर पर है जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप के मामले में सबसे ज़्यादा यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, मार्च 2020 की स्टार्टिंग से ये रिकॉर्ड किया जा रहा है कि सबसे पहले नंबर पे अमेरिका जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है ऑनलाइन डेटिंग ऐप का, और उसके बाद भारत है जो उसके बाद ऑनलाइन डेटिंग ऐप का यूज़ कर रहा है। अगर आपको आंकड़े बताएं तो 29 मार्च 2020 को डेटिंग ऐप टिंडर पर सबसे अधिक लोग मौजूद थे। जी हाँ, एक इसी दिन करीब 3 बिलियन लोग इस ऐप को यूज़ कर रहे थे और ये अब तक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ ऐप है। जी हाँ, एक दिन में ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे सबसे ज़्यादा यूज़र टिंडर पर ही है। जी हाँ, और बाकी जो ऑनलाइन चैटिंग के ऐप है उसमें भी 39% की जो इंक्रीज़ हुई है, जो लोग वहाँ पे जुड़े हैं उस ऐप के साथ, वो भी देखा गया। और ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप देखा जा सकता है कि इस क्वारंटाइन के समय पे लोगों को काफ़ी मदद कर रहा है, क्योंकि इस ऑनलाइन डेटिंग ऐप की मदद से आप जो है वो स्ट्रेंजर्स के साथ काफ़ी तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं, आप एक बॉन्ड बना सकते हैं, आप एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। ऑनलाइन डेटिंग ऐप आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोटो शेयर कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और ऐसे में ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप काफ़ी पॉपुलर हो गया है क्वारंटाइन के टाइम में, क्योंकि इस टाइम लोगों के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे बिता रहे हैं। जी हाँ, और इसी के चलते हुए अब भारत भी दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। अब भारत के जो लोग हैं वो भी लॉकडाउन में ऑनलाइन डेटिंग ऐप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी ही तमाम और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए मेरे साथ हमारा चैनल देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।